सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अगर आप लोग भी फ्री में न्यूज़पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ अगर आप लोग भी फ्री में न्यूज़पेपर को डाउनलोड करना चाह रहे हो तो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो चलेंगे फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग फ्री में न्यूज़पेपर डाउनलोड करने के लिए, आप लोग क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। ठीक, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में टाइप करना है ई पेपर डाउनलोड। क्या करना है, ई पेपर डाउनलोड, जैसे कि नीचे साइड में देखने को मिलता है ई पेपर डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करोगे तो पहले ही वेबसाइट देखने को मिल जाती है। ठीक, इस पर आप लोग पहले ही वेबसाइट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे आ जाते हो, अब आप लोगों को देखने को मिलता है द हिंदू है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है, हिंदू एनालिसिस भी है, इकोनॉमिक्स टाइम्स भी है। ठीक है, कई सारे यहाँ पे ई पेपर आपको देखने को मिलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आप लोग पेड भी दे सकते हो, पैसे भी दे सकते हो यहाँ पे इंग्लिश के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बनाया है ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता है आपको, 200 रुपये पर मंथ के लिए देना पड़ता है। ठीक है, ठीक, तो आप लोग ऐसे ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये फ्री नहीं है इंग्लिश वाला। हिंदी में देखोगे तो हिंदी आपको फ्री मिल जाएगी। अब जैसे कि मैं द हिंदू पे ही क्लिक करके दिखाता रहा हूँ आपको, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा नीचे आता हूँ, कभी कभी यहाँ पे पैसे लग जाते हैं तो कभी कभी पैसे नहीं लगते। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 27 सितंबर, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे। अब यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा वेट करता हूँ और यहाँ पे इंग्लिश में द हिंदू डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन पहले सब्सक्रिप्शन ले लिया था पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे ये वेबसाइट रुपए लेने लगती है और कभी कभी फ्री में प्रोवाइड भी करा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तो फ्री में मिला है। ठीक है, और पैसे पहले दिए थे लेकिन अब एक बार मैंने नहीं दिए हैं। ठीक है, क्योंकि एक महीना पहला हो गया, अब दूसरा महीना लग गया, इसमें हमने कोई पैसे नहीं दिए। ठीक है, देख सकते हो PDF पूरी है, कितने पेज की है, 22 पेज की है। ठीक है, देख सकते हो 22 पेज की है, पूरी की पूरी द हिंदू डाउनलोड मैंने कर लिया। इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश को डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी वाले हैं हिंदी को भी डाउनलोड कर सकते हो। बैक करता हूँ और मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब मैं बताता हूँ हिंदी वाला कैसे डाउनलोड करेंगे। जैसा कि है दैनिक जागरण है, ठीक है, राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है, दैनिक नवज्योति है, ठीक है, पंजाब केसरी है, अमर उजाला है, नव भारत टाइम्स है, जन सप्ताह है, जो भी आप लोग डाउनलोड करना चाह रहे हो कर सकते। तो फिलहाल ये सबसे अच्छा है दैनिक जागरण, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, थोड़ा सा इस तरीके से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक 28 सितंबर का है ये, तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये इतना यहाँ पे होता है कि आप लोग इमीडिएटली आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी, जैसे कि आज इंग्लिश की आ गई तो कल इंग्लिश की आएगी, जैसे कि 26 तारीख को है, 26 तारीख को पेपर आया है तो आपको मिलेगा कल 26 तारीख को। ठीक है, लेकिन और हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आप लोग दैनिक जागरण करोगे तो ये आप लोग 28 को मिलेगा, तो 28 का तारीख आपको 8 बजे सुबह मिल जाएगा। ठीक है, ये इसमें फ़ायदा होता है। ठीक, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड करोगे फ्रीलांस पे क्लिक करके, और ये गैलरी में आपका सेव हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये गैलरी में सेव हो जाएगा। आपको देख सकते हो ये 14 पेज की PDF है, तो इसको भी आप लोग रीड कर सकते हो। ठीक है, फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।